काल कुछ किया नहीं गया तो सेनापति संग्राम को शक हो जाएगा। इसलिए सेनापति संग्राम को शक हो उससे पहले महाराज के खून के इल्जाम में मुझे सेनापति को फंसा देना चाहिए। एक काम करो, सेनापति संग्राम को मेरे पास भेजो, हम उसे कुछ बात करना चाहते हैं। महामंत्री जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हाँ संग्राम सिंह, मैंने तुम्हें बुलाया है ये जानने के लिए कि आखिर बियाबान में वो हादसा हुआ कैसे। अब बताओ, यहाँ तुम हो और मैं हूँ, हकीकत क्या है, हकीकत से मुझे अवगत कराओ। महामंत्री जी, देखिए मैं सच बता रहा हूँ, हम और महाराज बियाबान में शिकार के लिए भटक रहे थे, अचानक वहां पर एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर आप दोनों एक साथ रहेंगे, आपस में बातें करते रहेंगे, तो आप लोगों की आवाज सुनकर शिकार भाग जाएगा और शिकार आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप दोनों अलग हो जाएं तो शिकार मिल जाएगा। मेरे लाख कहने पर महाराज नहीं माने और हमको अपने से अलग कर दिया। मैं थोड़ी दूर चला गया दूसरी तरफ और महाराज दूसरी तरफ। बस थोड़ी देर बाद एक गोली की आवाज सुनाई पड़ी और जब मैं दौड़ते हुए वहां से गया तो महाराज को गोली लग चुकी थी। महाराज आह के नारे भर रहे थे, गोली किसने चलाई महाराज पर, ये तो ना महाराज को पता था और ना ही मुझे मालूम। संग्राम, ये कहानी तुम प्रजा को बताओगे तो प्रजा यकीन कर लेगी। सच्चाई हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, कहानी मत बताओ। महाराज की पीठ पर गोली किसने चलाई और तुम कहां थे, क्यों गए थे, ये सब मत बताओ मुझे, सच्चाई क्या है। मंत्री जी, मैंने बता दिया कि सच्चाई यही है कि महाराज पर गोली किसने चलाई। ये तुम्हें नहीं पता, ये हमें नहीं मालूम। तो फिर एक काम करो, अपना हथियार मुझे दो, हम देखना चाहते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ये तुम्हारे पास रही तो मेरे लिए खतरा है, ये पिस्तौल तुम्हारी है जी, लेकिन इसमें से तो बारूद की बू आ रही है। हाँ, बारूद की बू आ रही होगी क्योंकि हमने एक शिकार पर गोली चलाई थी लेकिन वो शिकार भाग गया, हाथ नहीं लगा। तुमने शिकार पर गोली चलाई और शिकार खुद महाराज हो गए। नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कहिए। और सेनापति बतलाइए कैसे हुआ ये हादसा। और ये अचानक किस तरह से मर गए हैं बादशाह। तो वार उनकी पीठ पर कैसे हुआ। सच्चाई नहीं बताओगे तो खाल खींच लूंगा। उनकी पीठ पर कैसे हुआ। अरे या कि अपने हाथ से तूने किया है खुदे।
महामंत्री जी, महाराज क्या कहते, क्यों किया तूने? आप नाहक मुझे सता रहे हैं। और दोष एक निर्दोष पर क्यों लगाते खाम खा, दोष एक खून हाथों, खून हाथों से किया मैंने ना ये महाराज का, दो वार वार उनकी पीठ पर किसने किया मालूम नहीं, वार उनकी पीठ पर किसने किया मालूम नहीं, और झूठा ये इल्जाम है क्यों फंसाते मेरी जा। अरे झूठी बिल्कुल कह रहा तू सरे दरबार में झूठ, झूठ बिल्कुल कह रहा अब तू सरे दरबार में, और तुझे सजालिम तू सरे दरबार में, और तुझ सा जालिम सेनापति होगा नहीं संसार मेरे, तुझ सा जालिम कटाज के लालच में आप अबे खून तूने कन्या ताज के लालच में आप अबे खून तूने कर दिया, और मैं तुझे जिंदा चुना दूं कल फजर दीवार में, मैं तुझे जिंदा चुना दूं। और खून ना, खून ना मैंने किया, और मंत्री जी महाराज का मुझे मंत्री जी तक तो ताज का है नहीं, हमने सब कुछ दो राज के लाल
केला लच में आ ना मुझे मर वाइए। और है कातिल कोई करिए आवाज का। हराम खोर महाराज का कत्ल कर दिया और कह रहा है कातिल कोई और है। नहीं नहीं संग्राम बुलबुला पानी कहे ये तकब्बुर की हवा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों अकड़ कर चल रहा। जब चलेगी मौत की वादे फना और ठोकरों से सर उठ जाएगा मिट जाएगा नामो निशान। महामंत्री जी आप मेरा यकीन कीजिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने प्रण कर लिया है अब तो कबूल कर या ना कर लेकिन महाराज का कत्ल तूने किया है। इसके हाथों में हथकड़िया डाल दो महाराज का कातिल है ये। नहीं मंत्री जी ऐसा जुल्म मत ढाइए मुझ पर। हमने ऐसा कुछ नहीं किया राजन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। विक्रम जब तक युवराज विक्रम कराए तिलक नहीं हो जाता तब तक अब यहां के फैसले मैं करूंगा। और हां तुझे कल दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाएगा। तुम्हारा क्या कातिल है इसलिए तेरी मौत निश्चित है। मरने से पहले अगर तेरी कोई आखिरी मुराद हो आखिरी ख्वाहिश हो तो बता हम पूरी करवा दें। महामंत्री जी आखिरी ख्वाहिश मैं सिर्फ एक बार कुंवर विक्रम से मिलना चाहता हूँ। तू क्या समझता है महाराज को तू तो मार ही दिया है युवराज को तेरे पास भेज दिया जाए तो युवराज का भी कत्ल कर दे। हाँ क्यों मिलना चाहता है। मंत्री जी युवराज महाराज का इकलौता बेटा है इस राजमहल का चिराग है। अब तो मैं मर ही जाऊंगा बस एक बार उनसे मिलवा दीजिए यही ख्वाहिश मेरी आखिरी पूरी कर दीजिए। ठीक है इसे ले जाओ असहाय कारागार में डाल दो। अगर हम मुनासिब समझेंगे तो विक्रम इससे मिलने जाएगा और नहीं जाएगा। चलो ले जाओ। महाराज अगर आज तुम पृथ्वी पर जीवित होते तो देखते कि मैंने अपनी तदबीर से क्या गुल खिलाया है। और अब ज्यादा दिन नहीं है अब ज्यादा दिन वो दिन दूर नहीं है जब मैं ताज पहनकर राज सिंहासन पर बैठूंगा। बुलेट युवराज विक्रम को बुलाओ। क्यों नहीं चाचा जी नमस्ते। कैसे हो युवराज। ठीक तो हो। हाँ चाचा जी कोई परेशानी नहीं जब तक आप हैं आप लोग हैं तब तक मुझे कौन सी परेशानी। ये तो तुम भी जानते हो सारी प्रजा जानती है पारसगढ़ की कि मुझसे ज्यादा इस पारसगढ़ राज में तुम्हारा भला चाहने वाला और कोई नहीं होगा। हाँ चाचा जी। बेटा महाराज इस दुनिया में नहीं रहे इस बात का मुझे गम भी है अफसोस भी है लेकिन मैंने महाराज के कातिल को गिरफ्तार करवा लिया। क्या मेरे पिता का कातिल गिरफ्तार हो गया। हाँ बेटा तुम जानना चाहते हो कि कौन है वो। आखिर वो कौन बेटा है जो अपने बाप के कातिल को नहीं जानना चाहेगा। युवराज वो कातिल कोई और नहीं हमारी सेना का सेनानायक संग्राम सिंह जिसने ताज के लालच में महाराज को बेदर्दी से बियाबान में ले जाकर मार डाला। हमारे ही दरबार का वफादार जो बनता था सेनापति। हाँ वो मेरे बाप का कातिल है। बिल्कुल ठीक समझे चाचा जी। अगर उसने मेरे पिताजी का खून किया है तो मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाचा जी। सुनो बेटा वो हमारी कैद में है और तुमसे मिलना भी चाहता है। जाओ मुझसे मिलना चाहता है। अपने दिल की भड़ास निकाल लो और हाँ इस बात का ख्याल रहे अगर वो तुम्हें लायक समझाए कि उसने कत्ल नहीं किया है तो उसकी बात पर यकीन न करना
क्योंकि कातिल वही है। ठीक है चाचा जी, हम भी चाहते हैं कि जाओ उससे मुलाकात करो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उस हराम खोर को जिंदा दफना दूंगा चाचा जी, जिंदा दफना दूंगा। संग्राम, देखना मैंने तेरे भी मौत का इंतजाम कर दिया है और युवराज के भी। अब जाए रहे नमहूं बुलाट, आओ अब आओ चला जाए। अब सेनापत का गिरफ्तार करके लेंगे, अब चलो आगे देखा जाए क्या होता है। हाँ, मगर चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना भैया, तुरंत कह दे। अरे सारी की सारी, सारी की सारी, सारी की सारी सखिया बेचारी अब कूद पड़ी यमुना मा जगदम ओघारी। तो सारी सखिया जो है हाँ। रोज यमुना नहाने जाती थी। अच्छा, यमुना नहाए यमुना। मगर एक दिन पूरी सखिया ने सोचा कि रोज तो कपड़ा पहन पहन नहावा जात हाँ। आज कपड़ा उतार के नहावा जाए। अच्छा, कपड़ा उतार के नहाए। पूरी सखिया कपड़ा उतार के धई थीन और कपड़ा उतार के धई के और यमुना जी माँ कूद परी। कूद परी और कूद के कल्हाव कल्हाव नहाए रही। भैया और श्री कृष्ण भगवान पूरा नजारा देखत रहे। श्री कृष्ण भगवान और का नजारा देख, चुप्पे चुप्पे आए, कपड़ा उठाएं कमीज उठाएं धरिन इधर, सलवार उठाएं धरिन इधर, दुपट्टा उठाएं धरिन इधर और 32 नंबर उठार के भर ली जे अम्मा। या बात। और भर के कदम की डार पर चढ़ गए और हुए से बांसुरी बजाए रहे। क्या बजा रहे? कह का रहे, का कह रहे? जल्दी निकलो देखी, जल्दी निकलो देखी। एक सखी के नजर पड़ गए, कहीं हे सखी कहीं हे बहिनी, वही देखो कृष्ण भगवान कपड़ा लेके चढ़ गए कदम की डार में बैठे। कहीं हे भगवान कपड़ा दे दियो। तो भगवान का कह रहे हैं, का कहा जी भगवान? कपड़ा दिया कब? जब जल से बाहर आई हो तब। अब जनता है मेहर अरुमन का हाल। हाँ भाई, बुद्धि काम न करे और वही मजामा रहा है पुराण का पत्ता। हाँ। पुराण का पत्ता दूरीन एक लगाइन आगे। हाँ। एक लगाइन पाछे। ये बात। और निकर के आए के लिए लगा के हाथ खड़ी हो गई। फिर हुमा से कहा कह रही? क्या कह रही? भगवान कपड़ा दे दियो, भगवान कपड़ा दे दियो। तो भगवान कहीं कपड़ा दे अब का जब हाथ जोड़ी होता। अब हाथ जोड़ तो पत्ता सा गिरा था। हाँ भाई, सिट रूम देखा। इसीलिए कहना क्या है, सारी की सारी सखिया बेचारी अब कूद परी यमुना मा यकदम अघारी, अब पाछे से कान्हा मार के झपट्टा कदम पर टांग दिन, टांग दिन। हाँ, कदम पर टांग दिन लहंगा दुपट्टा, कदम पर टांग दिन लहंगा दुपट्टा, कदम पर टांग।